और एक बड़ी खबर, उत्तराखंड के 17 शहरों को संवारने के लिए 4200 करोड़ का लोन। जी हां, AIIB है, सैद्धांतिक सहमति ये बनी है। 9 साल 11 महीने के लिए ये लोन दिया जाएगा। सबसे अधिक 2100 करोड़ की धनराशि ऋषिकेश के लिए पेयजल आपूर्ति, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, CCTV, मल्टी लेवल पार्किंग जैसे काम इसके जरिए होंगे। तो 17 शहरों को संवारने के लिए 4200 करोड़ का लोन जो है वो उत्तराखंड लेगा। AIIB के साथ 4200 करोड़ लोन को लेकर सैद्धांतिक सहमति ये बनी है। 9 साल 11 महीने के लिए ये लोन लिया जाएगा, जिसके तहत जो सिटीज होंगी, जो शहर होंगे, 17 शहर जिनको अडॉप्ट किया गया है, जिनका नाम इसमें है, उसमें पेयजल आपूर्ति, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, CCTV, इसके अलावा मल्टी लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं जो हैं वो शहरवासियों को मिलती हुई नजर आएंगी। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सबसे अधिक 2100 करोड़ की धनराशि ऋषिकेश के लिए यहां पर देने की बात की गई है। तो 4200 करोड़ का लोन जो है वो सैद्धांतिक रूप से उस पर सहमति बन गई है। AIIB के साथ ये सहमति बनी है। उत्तराखंड 9 साल 11 महीने के लिए 4200 करोड़ का लोन जो है वो लेगा और 17 शहरों को स्मार्ट बनाएगा। और कुलदीप नेगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, 17 शहरों का कायाकल्प होगा एक तरीके से, 17 शहर और निखरे हुए नजर आएंगे। 4200 करोड़ का लोन लिया जाएगा इसके लिए। कौन कौन से वो शहर होंगे और टाइम पीरियड क्या इसका रखा गया होगा? देखिए, शहरी विकास विभाग की कोशिश है कि जो भी शहरी क्षेत्र है, चूंकि इनकी जो आबादी है वो बढ़ती चली जा रही है और देहरादून जैसे शहर में तो ऑलरेडी पहले से ही, चूंकि नगर निगम का क्षेत्र है और स्मार्ट सिटी की तर्ज पर यहाँ के 10 वार्डों को विकसित किया जा रहा है, तो इसके अलावा जो भी नगर पालिका के क्षेत्र हैं जहां पर की आबादी लगातार बढ़ रही है और जो भी मूलभूत सुविधाएं वहां पर पहुंचानी है, वो सुविधाएं पहुंचाने की पहले से ही चुनौती रही है, तो इस दिशा में शहरी विकास विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है। और इस वक्त मौजूदा कंडीशन में हम बात करें तो तकरीबन 17 ऐसे शहरों को चुना गया है जिनका की कायाकल्प करने की तैयारी है। इसके लिए तकरीबन 4200 करोड़ का एक लोन लिया जाएगा और इसके लिए सैद्धांतिक सहमति हुई है। इसमें अगर हम बात करें तो डोईवाला, विकास नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, श्रीनगर, जोशीमठ, ये तकरीबन सारे 17 शहर, इसके अलावा और भी कई शहर है जो इसमें शामिल किए गए हैं। और इन शहरों में किस तरीके से जो सुविधाएं दी जाएंगे, चाहे वो सड़क की सुविधा हो या फिर विद्युत आपूर्ति की सुविधा हो या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हो, ये तमाम सारे प्रयास यहां पर किए जाएंगे। तो इसके लिए एक सैद्धांतिक समिति बनी है और एक प्रस्ताव शहरी विकास विभाग की तरफ से पहले तैयार किया गया था इस दिशा में कि किस तरीके से इन शहरों के लिए, चूंकि पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, ऋषिकेश एक महत्वपूर्ण शहर इसमें शामिल है, ऋषिकेश में चूंकि सबसे ज्यादा जो काम होंगे वो ऋषिकेश में होंगे, एक तरीके से देखें ऋषिकेश को तो ऋषियों की नगरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण शहर भी ऋषिकेश होता है, तो इसलिए आज से तकरीबन 2100 करोड़ के आसपास के जो कार्य यहां होंगे, तो इसके मद्देनजर एक सैद्धांतिक समिति बनी है और ये जो अब प्रस्ताव तैयार हुए हैं इसी के आधार पर जब ऋण मिलेगा तो तकरीबन 10 साल के आसपास का ही ऋण होगा, जिसमें कि 10 साल के आसपास इन्हें चुकाना होगा। इसके लिए पूरा विस्तार से प्रोजेक्ट तैयार किया गया कि कैसे इन शहरों में, चाहे पेयजल आपूर्ति करवानी हो या फिर सड़कें बनानी हो या फिर बिजली की 24 घंटे आपूर्ति का विषय हो, 24 घंटे पीने का स्वच्छ पानी का विषय हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो योजना, ये तमाम सारी जो योजनाएं, ये तमाम सारी स्कीम्स यहां पर इंप्लीमेंट की जाएंगी, इसके लिए पूरी कवायद में शहरी विकास विभाग जुटा हुआ है। जी, कुलदीप, इतना बड़ा लोन तो लिया जाएगा पर लेकिन 17 शहरों को इस तरीके से स्मार्ट, एक तरीके से कह सकते हैं, किया जाएगा इस राशि के जरिए, क्योंकि अक्सर जब इस तरीके की राशि आवंटित होती है, लोन लिया जाता है, शहरों को स्मार्ट करने की बात की जाती है, फिर कोई योजना लाई जाती है तो उसमें अक्सर भ्रष्टाचार का घालमेल भी देखने को मिलता है। क्या इसको लेकर भी कोई कमेटी यहां पर गठित की गई है ताकि शहरों में जब ये पैसा लगेगा तो उसमें कोई धांधली ना हो? देखिए, सब कुछ जो मॉनिटरिंग होगी शहरी विकास विभाग के अंतर्गत ही होगी। जहां तक बिल्कुल आपने सही कहा कि योजनाओं के लिए पैसा तो ले लिया जाता है, लोन भी ले लिया जाता है। उदाहरण छोटा सा स्मार्ट सिटी देहरादून का ही दें तो 2 साल से अधिक का वक्त हो चुका है जब उत्तराखंड को स्मार्ट सिटी का तोहफा मिला था देहरादून को, लेकिन अभी तक भी उस दिशा में कुछ काम धरातल पर हुए नहीं। हालांकि कागजों में तो काम हुए हैं और अब जो योजनाएं हैं वो योजनाएं अब इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है, तो उसमें काम पूरा होने में या फिर काम होने में वक्त लगता है, लेकिन जिस तरीके से
अगर हम बात कर रहे हैं कि इन योजनाओं में कहीं भी भ्रष्टाचार ना हो, तो ये देखने की जो जिम्मेदारी है वो शहरी विकास महकमे की है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात सरकार कर रही है। तो अगर जो भी योजनाएं इन शहरी निकायों के लिए या फिर नगर निकायों के लिए आती हैं, उनमें किसी भी तरह का करप्शन ना हो, ये पूरी मॉनिटरिंग करने की जो जिम्मेदारी वो भी शहरी विकास विभाग की है, उसी के अंतर्गत ये सारे काम होने, इन शहरों का जो कायाकल्प है वो होना है। तो ये उन बॉडीज के ऊपर भी निर्भर करेगा कि किस तरीके से उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करते हैं, पारदर्शिता से इंप्लीमेंट करते हैं, धरातल पर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि उनमें जरा सा भी जो करप्शन है वो ना हो। जी चलिए, बिल्कुल, किस तरीके से 17 शहर का कायाकल्प यहाँ पर होगा वो फिलहाल नजर आएगा आने वाले समय में, क्योंकि इसी के लिए लोन लिया जा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।